हेलो दोस्तों, पैसे नॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स मार्केट मतलब इक्विटीज में क्या डिफरेंस है, कौन सा ज्यादा आपको फायदेमंद है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, आपके एसेट क्लास आप चूज कर सकते हो। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है आज का। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आपसे निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपके डाउट्स और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से चाहिए उसके लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करेंगे ओनरशिप के बारे में, तो म्यूचुअल फंड और इक्विटी में एक काफी बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि हम जब स्टॉक बाय करते हैं तो आप कंपनी के स्टॉक होल्डर बन जाते हो, शेयर होल्डर बन जाते हो, तो आपको ओनरशिप मिलती है। ओनरशिप मतलब आपको मिलते हैं डिविडेंड मिलता है, ठीक है, आपको बोनसेस मिलते हैं, जो भी कंपनी अनाउंस जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आती है उसके बेनिफिट आपको मिलते हैं, बायबैक होता है, ठीक है, उसके बाद राइट इश्यू होते हैं, तो ये सारे बेनिफिट आपको एंजॉय करने के लिए मिलते हैं। लेकिन कब, जब आप इक्विटी होल्ड करते हो तभी। इतना एक बड़ा डिफरेंट होता है म्यूचुअल फंड और इक्विटीज में। लेकिन म्यूचुअल फंड में जाते हो तो म्यूचुअल फंड ये फंड मैनेजर बाय करता है, राइट, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो आपको वहां पे यूनिट्स देता है। आप जब एक पार्टिसिपेट करते हैं वो इंडेक्स में या वो पोर्टफोलियो में जिसमें ये स्टॉक्स होते हैं, लेकिन आपको स्टॉक की ओनरशिप नहीं मिलती। ओके, तो ये बड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि उस समय आपको बोनसेस डिविडेंड इस तरीके से कुछ आपको मिलता नहीं है। जो भी है, जैसे आप डिविडेंड के लिए जा रहे हो तो डिविडेंड वाले म्यूचुअल फंड अलग होते हैं, उसके लिए आपको अलग म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने पड़ते हैं। लेकिन जब ये इन्वेस्टमेंट जब आती है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो ये प्रोफेशनली मैनेज की जाती है बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर। तो यहाँ पे ये जो फंड मैनेजर है, ठीक है, उनके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको शेयर्स में पैसा लगाइए, बॉन्ड्स में पैसा लगाइए, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन करके म्यूचुअल फंड की स्कीम्स बनाते हैं अलग अलग। ओके, जैसे आप देखते हो कि इक्विटी फंड हो गया, ग्रोथ फंड जैसे हम कहते हैं, उसके बाद हाइब्रिड हो गया, डेफ फंड कहते हैं, तो अलग अलग टाइप्स के वहाँ पे स्कीम्स बनाई जाती है और उसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। और वहां पे परसेंटेज डिसाइड किया जाता है कि इक्विटीज में कितना पैसा जाएगा, बॉन्ड्स के कितना पैसा जाने वाला। तो इसकी डिटेल्स भी मेरे जो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वीडियोज है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ है। तो ये बड़ा डिफरेंशिएट करता है ओनरशिप। तो अगर आप ओनर बनना चाहते हो, कोई कंपनी के पार्टनर बनना चाहते हो, मतलब शेयर होल्डर बनना चाहते हो, तो आपको इक्विटी सिलेक्ट करना चाहिए। नहीं, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है और कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये डिसीजन अगर आप नहीं ले सकते तो आप प्रोफेशनल मैनेज पोर्टफोलियो को ही, मतलब जिसे हम फंड म्यूचुअल फंड कहते हैं, उसमें आप पैसे डाल सकते हो। क्योंकि या वहां पे भी आपको ऑप्शन होते हैं, स्टॉक मार्केट में जो म्यूचुअल फंड आते हैं इक्विटी ग्रोथ वाले, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये बड़ा एक डिफरेंस वहां पे। नेक्स्ट बात करेंगे रिस्क की। तो यस दोस्तों, डायरेक्टली जब आप स्टॉक कोई बाय करते हो तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलते हैं, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। तो एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स में जो है रिस्क जरा ज्यादा होती है दोस्तों। और म्यूचुअल फंड जो है, ठीक है, यह एक एडवांटेज होता है आपको आपके रिस्क रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है एक स्टॉक में कभी निवेश नहीं करता है, उसके पास जो होते हैं काफी सारे मल्टीपल स्टॉक और सेक्टर्स होते हैं जिसमें वो निवेश करता है। तो इसलिए आपकी रिस्क जो होती है डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में, वहां पे डाइवर्सिफाई मतलब डिफरेंट पोर्टफोलियो में डिफरेंट स्टॉक्स में ये डाइवर्सिफाई हो जाती है, तो इसकी वजह से रिस्क भी वहां पे कम होती है। ये देखिए, जब आपको कोई स्टॉक में या निवेश करते समय रिस्क कम करनी, तो डाइवर्सिफिकेशन का रूल ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको यूज करना पड़ता है। एक जगह पूरा पैसा लगाओगे तो वो ज्यादा रिस्की होता है। अगर स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक कैसा होता है मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होता है, उसके स्टॉक के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होता है। कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है कांट कॉम्पेंसेट फॉर द अदर, दूसरे का जो है वहां पे कॉम्पेंसेट लॉस नहीं कर सकता है अगर आप एक ही स्टॉक में आप कर रहे हो। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो वो कॉम्पेंसेट होता है। जैसे हम देखते हैं कि मेटल हो गया, उसके बाद आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, ओके, और सामने आपके बैंकिंग फाइनेंस BFSI, तो यहाँ पे ये कॉम्पेंसेट करते हैं। जब मार्केट गिरता है बैंकिंग फाइनेंस नहीं चलेगा तो वहां पे IT फार्मा आपको हेल्प करेगा, तो इस तरीके से बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करोगे स्टॉक में तो वहां पे आपको उस तरीके से मैनेज करते आने चाहिए। और यहाँ पे रिस्क फैक्टर और एक होता है कि
वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ स्टॉक, क्या बीटा रिस्क जो है जिसे हम हाई बीटा स्टॉक कहते हैं, हाई बीटा मतलब हाई वॉलेटाइल स्टॉक जिसमें आपकी रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा स्मॉल कैप मिड कैप की ऐसी कंपनीज है जो 6-6 महीने में 100-200 टका ऊपर नीचे होता है उसमें, तो वहां पे रिस्क भी ज्यादा है राइट। तो रिस्क अगर कम करनी है, आपको हाई वॉलेटाइल मार्केट से बचना है, तो फिर आपको म्यूचुअल फंड अच्छी तरीके से काम करेगा। ये भी डिपेंड्स करता है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर। उसके बाद बात करेंगे हम परफॉर्मेंस के ऊपर, कौन सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको ज्यादा रिटर्न देता है। अभी ये म्यूचुअल फंड्स है जिसमें 10 साल की रिटर्न अगर आप देखते हो तो ऑन एन एवरेज 12%, 15%, 11%, ये 10 साल का है, ऑन एन एवरेज मोर देन 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न है। 5 ईयर्स की बात करेंगे तो 16%, 17%, 21% में भी है, ठीक है। मिराई का देखेंगे तो 30% है। ये टॉप परफॉर्मर म्यूचुअल फंड है मिराई एसेट इमरजेंसी म्यूचुअल फंड, तो इसमें ज्यादा रिटर्न आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे अपने रिस्क भी डाइवर्सिफाई कर दिए, एक मॉडरेट से हाई रिटर्न आपको मिल रहा है, क्योंकि अगर आप ग्रोथ प्लान के लिए जाते हो इक्विटी में ही निवेश होता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से आपको रिस्क वहां पे कम हो जाती है। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर हम स्टॉक की बात करेंगे तो बट ऑब्वियस इक्विटीज में डायरेक्ट निवेश करते हो तो रिटर्न काफी हाई होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 10 साल में ऑन एन एवरेज एचडीएफसी बैंक ने हर साल 26% रिटर्न दिया हुआ है, मारुति ने 29% दिया हुआ है, अल्ट्राटेक ने 20% दिया हुआ है। ओके, 3 साल की बात करेंगे तो सन फार्मा ने माइनस दिया हुआ है, मारुति ने 30% दिया है, एचडीएफसी बैंक ने 25% दिया हुआ है, और 5 साल में 40% मारुति रिटर्न ने रिटर्न दिया है। तो एवरेज रिटर्न है, ठीक है, हर साल का एवरेज रिटर्न है। तो जैसे जैसे टाइम वर्जन बढ़ेगा, मार्केट की वॉलेटिलिटी चेंज होती जाती है, तो उस तरीके से ये एडजस्ट होता है। तो ये आपको एक अच्छा तरीका है अगर आप इक्विटी में डायरेक्ट जाते हो। लेकिन देखिए, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कहाँ पे पैसा आप लगाए इसके लिए। अब बात करेंगे हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, मतलब जो आप निवेश करने वाले हो मार्केट में उसकी कॉस्टिंग कितने हद तक आपको कम है या ज्यादा है। तो जैसे आप म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड मतलब एक मैनेज में प्रोफेशनल मैनेज फंड मैनेजर है, तो बट ऑब्वियस वो आपसे लेते हैं चार्जेस जिसे हम एक्सपेंसेस रेशियो कहते हैं। ओके, तो इन केस ऑफ स्टॉक मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर आप कोई एसेट मैनेजमेंट फंड है राइट, और वो आपका फंड मैनेज कर रहा है, तो प्रॉफिट में तो कोई करेगा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई काम करेगा नहीं, ठीक है, आपसे पैसा लेगा। अगर आप खुद मार्केट में इन्वेस्टमेंट अगर करते हो, इक्विटीज में डायरेक्ट बाय करते हो, तो ब्रोकरेज फीस के अलावा आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं, ठीक है, उसके बाद जीएसटी लगता है, डीमैट अकाउंट जो मेंटेन करते हो जिसमें आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड में नहीं है, मतलब सिंपली ये है कि कॉस्टिंग जो है मेरा इक्विटीज से म्यूचुअल फंड में काफी कम है, क्योंकि वहां पे मुझे डीमैट के ट्रांजेक्शन चार्जेस देने नहीं पड़ते बेचते समय, उसके बाद मुझे एसटीटी नहीं देना पड़ रहा, एसटीटी वहां पे भी लगता है, लेकिन डीमैट अकाउंट के चार्जेस वहां पे आपको नहीं लगेंगे, ब्रोकरेज नहीं लगेगा इतना ही। ओके, काफी सारे यहाँ पे एक्सपेंसेस रेशियो आपको ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में जैसे आप ईटीएफ में जाते हो तो ईटीएफ में भी जो एक्सपेंसेस रेशियो काफी कम होता है, क्योंकि इसमें मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है। ETF के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप प्रेफर कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं चीपर इन्वेस्टमेंट अपने कॉस्टिंग की, तो म्यूचुअल फंड चार्ज अ फी फॉर अ फंड मैनेजर्स विद द स्टॉक द ओनली चार्ज अ ट्रांजेक्शन चार्जेस। तो अगर हम देखते हैं कि फंड मैनेजर तो आपसे चार्जेस लेगा ही, लेकिन अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको अदर ट्रांजेक्शन चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है इक्विटीज और जो म्यूचुअल फंड है, क्योंकि कॉस्टिंग भी देखनी जरूरी है, क्योंकि कॉस्टिंग इसलिए देखनी जरूरी है क्योंकि आपके ब्रेक इवन पॉइंट जो है ईपी हम जिसे कहते हैं कि मेरा कॉस्टिंग कितना है और मुझे प्रॉफिट कब से स्टार्ट होगा। जैसे कोई स्टॉक मैंने 1000 में बाय किया और ब्रोकरेज लग रहा है, ब्रोकरेज पकड़ के इसका वैल्यूएशन आ गया समझो 1% आधा टका ब्रोकरेज है अगर, तो यहाँ पे अगर 5 रुपीज मुझे ब्रोकरेज लग रहा है सॉरी, तो इस तरीके से आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका 1005 के ऊपर प्रॉफिट चालू होने वाला है। तो ये जानना भी जरूरी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टैक्स इम्प्लीमेंटेशन, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया लेकिन मुझे साइड बाय साइड टैक्स का मैं कुछ इसमें एग्जम्पशन मिल रहा है कि नहीं, वो भी देखना जरूरी है।
तो लॉन्ग टर्म, अभी 2018 के बजट से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया है। जितना भी आपको प्रॉफिट होने वाला है उसका 10% आपको गवर्नमेंट को देना है दोस्तों, ठीक है। 1 लाख, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि 10% ऑन प्रॉफिट अबोव 1 लाख इक्विटी और यूनिट्स ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। 1 लाख से ज्यादा आपको अगर प्रॉफिट है तो आपको 10% वहां पे चुकता करना पड़ेगा। मतलब वो 1,10,000 भी हुआ तो भी आपको 1,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ता है, उसका आपका जो टैक्स लाइफ है उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन होगा। बट देर इज अ म्यूचुअल फंड विद अ टैक्स बेनिफिट। यस दोस्तों, ईएनएसएच जो है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है और जिसमें 180 से आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन भी मिलता है, आप क्लेम कर सकते हो, तो ये एक बेनिफिट देता है। तो बेटर है कि इक्विटी की जगह मैं ईएनएसएच में पैसा लगा दूं, तो जो ज्यादा करके अभी लोग यूज करते हैं 3 साल से जब से ये चेंजेस आए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे इंटेंशन यही होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो जैसे हमने देखा लॉन्ग टर्म के लिए अगर 1 लाख से ज्यादा आपको प्रॉफिट है तो 10% लगेगा, और शॉर्ट टर्म में आपको 15% इक्विटी के ऊपर टैक्स लगने वाला है। तो ये यहाँ पे, लेकिन अगर आपको इससे बचना है तो फिर आपको ई रेसिस के लिए जाना चाहिए, जो सबसे सेफेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ पे आपको इनकम टैक्स एग्जम्पशन तो मिलता ही है दोस्तों, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है, ये ध्यान में रखें। उसके बाद हम बात करेंगे डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग टर्म आपको मार्केट में बने रहना है तो डिसिप्लिन भी जरूरी है। ओके, तो डिसिप्लिन खुद अगर आप करते हो तो उतने आप प्रोफेशनल होने चाहिए उस कामों में, उस नॉलेज आपको होनी चाहिए टेक्निकल। अब जैसे हम बात करेंगे कि अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है मार्केट में, इक्विटीज में अच्छा पैसा लेना है, तो आपके पास जैसे हम कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस आने चाहिए, डेरिवेटिव एनालिसिस आना चाहिए। तो टोटली ये तीनों चारों चीजें जो है उसके बाद स्टैटिस्टिकल आपको कैलकुलेशन आने चाहिए, या माइक्रो माइक्रास क्या होते हैं, सारे फंडामेंटल के कंसेप्ट पता होने चाहिए, तब जाके आपका डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऐसे ही नहीं आती, आपको नॉलेज लगेगी उसके बाद ही होगा जो फंड मैनेजर के पास होती है, राइट। तो ये एक अच्छी तरीके से एडवांटेज होता है आपको जब आप एसआईपी में जाते हो म्यूचुअल फंड में, क्योंकि एसआईपी में आप एक साथ पैसा नहीं लगाते, वहां पे मार्केट अप रहे या डाउन रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इंस्टॉलमेंट में वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही ब्यूटी म्यूचुअल फंड में। अगर आप एसआईपी में, एसआईपी में एक ऐसा होता है कि आपका जो होल्डिंग टाइम है, होल्डिंग टाइम होराइजन है पूरा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो जैसे मार्केट नीचे गिरता है तो आपको ज्यादा वहां पे यूनिट्स मिलते हैं। तो एसआईपी के ऊपर भी मेरी वीडियोस अवेलेबल है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से हर महीने डिडक्ट होगी, तो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट आपका होगा, ठीक है, और रिस्क भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको हर महीना कितना पैसा वहां पे निवेश करना है। लेकिन वैसे अगर स्टॉक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको बोलते हैं ना कि आपको उसके लिए नॉलेज की जरूरत है, इतना सारा डिसिप्लिन होने के लिए आपको प्रोफेशनली वो मैनेज करते आना चाहिए, तभी वो चीजें वहां पे हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के लिए तो अगर आपको नॉलेज नहीं है और गेन करना है मार्केट से, तो म्यूचुअल फंड इज अ बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद आता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज, ये तो काफी हद तक इम्पैक्ट करता है जिनका इनकम स्लैब जो कम है और जो लोग मार्केट से बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो अगर मैं उनको कहूंगा कि रिलायंस का शेयर ले लीजिए या फिर मारुति का ले लीजिए, तो वो कहेंगे सर एक शेयर 2,000 रुपये का चल रहा है, एक शेयर की प्राइस 6,000 चल रही है, तो इतना पैसा तो मैं हर महीने नहीं डाल सकता सर। लेकिन मैं वही कहूंगा कि अगर मारुति और रिलायंस भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको महीने के 100 से 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि कम पैसा मुझे लगेगा और मुझे रिलायंस और मारुति में भी पार्टिसिपेशन करने को मिलेगा। तो ये काम करता है आपका म्यूचुअल फंड। आप कम इन्वेस्टमेंट भी, आपका कम इन्वेस्टमेंट में मतलब कम पैसे में आपकी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो और बाय यूजिंग म्यूचुअल फंड, और इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, आपको चाहिए आपके पास पैसा आ गया तो आप वो बढ़ा भी सकते हो। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो तो आपके लिए सबसे पहले ना काफी बड़ा पैसा वहां पे लगता है। जैसे मेरे काफी वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक अगर आपको बाय करने हैं ना, एक एक स्टॉक भी अगर आप निफ्टी 50 के 50 स्टॉक बाय करते हो तो भी आपको कम से कम 1.5 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो तो पॉसिबल है नहीं ना, लेकिन निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड में अगर मैंने पैसा डाला तो मैं 500 से मेरी एसआईपी स्टार्ट कर सकता हूँ, जो फंड मैनेजर उसके हिसाब से मैनेज करेगा, ठीक है।
तो ये मेरे लिए और फायदेमंद है। 1.5 लाख तो सबके पास थोड़ी, मतलब किसी के पास अवेलेबल नहीं होगा, काफी कम लोग होंगे जो हर महीने 1.5 लाख रुपए डाल सकेंगे, लेकिन 500 तो हर महीने हम डाल ही सकते हैं दोस्तों। तो ये बड़ा और उसमें पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी मिलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात। आपको 500 रुपीज में जो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको मिलेगा, ठीक है, और यही पे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए इक्विटीज में आपको बहुत बड़ा पैसा लगेगा। तो ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइड, क्योंकि जो बंदा मार्केट के बारे में नहीं जानता है तो वो देखता है कि सर मुझे 500 से 1000 रुपये हर महीना डालना है, मैं 10-12 हज़ार ही साल का निवेश कर सकता हूँ। फिर जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, कन्विक्शन आता है कि नहीं ये एक ग्रोथ के लिए या फिर फाइनेंशियल हमारे गोल्स अचीव करने के लिए काम में आ सकता है, तो डेफिनेटली फिर आप आगे चल के आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो और लास्ट जो है वो है टाइम एंड एफर्ट नीडेड। यस दोस्तों, टाइम काफी देना पड़ता है और एफर्ट्स भी लगते हैं जब आप कोई इंडिविजुअल स्टॉक में पैसा लगाते हैं, ठीक है। अभी देखिए, व्हेन वन इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इक्विटीज, ओके, डायरेक्टली कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है तो उसको तो बहुत बड़ा टाइम लगता है क्योंकि रिसर्च करना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आपको जाते हैं तो आप पैसिव इन्वेस्टर होते हैं, ओके। तो एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? एक्टिव इन्वेस्टमेंट मतलब खुद सब मैनेज करना, और पैसिव मतलब जिसमें कुछ करना नहीं है। फंड मैनेजर आपका पोर्टफोलियो टोटली मैनेज करता है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द पोर्टफोलियो, लेकिन बाकी तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ही होता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे अच्छी तरीके से वो पैरामीटर सेट करके, फंडामेंटल, टेक्निकल, स्टैटिस्टिकल जो भी है वो सेट करके अच्छा आपको रिटर्न मिले, इसके लिए वो कोशिश करता है, ओके। लेकिन इक्विटीज में अगर आपको परफॉर्म करना है, आपके खुद की इक्विटीज को परफॉर्म करना है, तो फिर आपको ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है जब आप म्यूचुअल फंड से खुद इक्विटीज में पैसा लगाते हो, क्योंकि उसके लिए आपको साउंड नॉलेज चाहिए फाइनेंस की, एंड हैविंग एक्सपीरियंस इनफ टू विदस्टैंड द निफ्टी ग्रिटी ऑफ द मार्केट। तो ये सारी चीजें हैं आपको दोस्तों कि आप डायरेक्ट मार्केट में अगर आप जा रहे हो तो आपको नॉलेज लगेगा, लेकिन यही आपको अगर समय बचाना है तो आप म्यूचुअल फंड को प्रेफर करिए। इतना ही आपको यहाँ पे मुझे बता रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी नेक्स्ट।